हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। बगैर चीज़ के ही से बहुत टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैक्रोनी की रेसिपी। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब मैक्रोनी ले ली है। अगर वेट से आप इसे देखेंगे तो यह 200 ग्राम के करीब है। आप मार्केट से कोई भी पैकेट वाली मैक्रोनी ले लें। जितनी अच्छी मैक्रोनी की क्वालिटी होगी, उसका रिज़ल्ट जो है उतना ही बेहतर आएगा, उतनी ही अच्छी जो मैक्रोनी है बनकर तैयार होगी। साथ ही में मैंने यहाँ पर व्हाइट सॉस बनाने के लिए सामग्री भी ले ली है, जिसमें मैंने नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, ऑरिगैनो लिया है। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में जो नॉर्मल दूध की मलाई होती है वो ले ली है मैंने यहाँ पर, और बटर लिया है। बटर में व्हाइट सॉस पास्ता बनाने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैदा लिया है मैंने यहाँ पर, जो आप 1 चम्मच देख रहे हैं उतनी ही चम्मच भर के मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है। और दूध लिया है मैंने, लो फैट दूध है, जो कि 2 कप यानी कि 1 गिलास के करीब है। और साथ ही में हम थोड़ा सा ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे पास्ता बनाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी को गर्म कर लिया है। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, ताकि जो पास्ता है, जो मैक्रोनी है, अंदर से फीकी फीकी ना रहे, उसके अंदर भी नमक का टेस्ट चला जाए। ये देखिए मैंने नमक अभी डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालना जो है ज़रूरी नहीं है, पर डालेंगे तो जो मैक्रोनी है चिपकी हुई नहीं बनेगी। अब मैंने मैक्रोनी भी इसके अंदर डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जो मैक्रोनी नीचे की तरफ बैठ गई है वह अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। और हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारी जो मैक्रोनी है बॉईल हो चुकी है। देख लेते हैं एक बार इसे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है मैक्रोनी, यानी कि मैक्रोनी जो है कुक हो चुकी है। अब हमें गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और जिसका पानी है वो निकाल देंगे, और इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जिसका गर्म पानी था वो निकाल दिया है, और ठंडा पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। मैक्रोनी जो है पूरी तरीके से कुक हो चुकी है। देखिए आसानी से टूट रही है, और ठंडा पानी डालने से इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है यहीं रुक गई है। अब आगे यह कुक नहीं होगी। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। ऑयल के साथ साथ हम इसमें बटर भी डाल देंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है, ताकि बटर जो है अगर अकेले को हम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे तो वह जल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ऑयल डालने से बटर जो है जलता नहीं है, और उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है। जैसे ही ये दोनों जो हमारा बटर है मेल्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर हमने जो मैदा लिया है वो डाल देंगे। मैदा को हम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसमें से अच्छा सा अरोमा नहीं आने लग जाता है। जैसे ही मैदे के अंदर से हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी, और मैदे का कलर जो है हल्का सा क्रीमिश हो जाएगा, तब तक हम इसे पकाना है। इसे पकाने में लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। दूध जो है हम एक साथ ही इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालेंगे। अगर आप दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो लम्स पड़ने का डर रहेगा, इसलिए दूध को एक साथ ही डाल दें तो कभी भी व्हाइट सॉस के अंदर लम्स नहीं पड़ेंगे। और हम इसे विस्कर से चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेमितिक होने तक सॉस को कुक करेंगे। जब आपको लगे कि जो सॉस है हमारी उसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है, तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें, और बीच बीच में उसे हाई करते रहे। देखिए सॉस जो है कुक हो गई है, थोड़ा सा थिक भी हो गई है। हमें इसे इतना ही पकाना है अभी। अब हम इसके अंदर नमक, काली मिर्ची पाउडर और ऑरिगैनो डाल देंगे, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे आधा से 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा और इसे हमने कुक कर लिया है, हल्की सी थिक और हो गई है ये। अब हम इसके अंदर जो हमने मैक्रोनी को बॉईल करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। जब हमने ऑरिगैनो वगैरह डाला उसी टाइम पर थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दें, दिखने में काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये देखिए मैक्रोनी को मैंने सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप सॉस को पहले ही ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे, ज़्यादा थिक कर लेंगे, तो वह ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, और जो हमारा पास्ता है वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने इसके अंदर मलाई भी डाल दी है 2 चम्मच भर के, और मलाई को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इस टाइम पर आप 2 चम्मच मेयोनीज इसमें डाल दें, वो भी सेम वर्क करेगी। और आप चीज़ डालना चाहते हैं तो इसी टाइम पर इसमें चीज़ ग्रेट करके डाल दें। ये देखिए हमारी मैक्रोनी जो है बनकर तैयार है। मैंने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। काफ़ी सॉसी मैक्रोनी जो है बनकर तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि सॉस की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल कम है, देखने से ही इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में तो टेस्टी है ही। तो आप भी इसी तरीके से जो मैक्रोनी की रेसिपी को ट्राई करें, आपको पसंद आएगी, और बनाने में भी काफ़ी ईजी है। इंग्रेडिएंट भी ऐसे हैं कि आसानी से हमें घर पर मिल जाते हैं। देखिए मैंने मैक्रोनी को सर्व कर लिया है। अगर आपको ये मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।